हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बड़े को अपना नाम, छोटे को खुद प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। मेरी भी चल ही रही है और समय तो बिल्कुल भी नहीं है। और सभी चीज़ों को देखना है, जैसे कि पढ़ाई हो गया, घर का काम हो गया, खाना हो गया और थोड़ा सा YouTube भी हो गया। तो ये सभी को चीज़ को देखना है, मैनेज करना है और कदम बढ़ाना है। तो अभी हम बना रहे थे खाना। आज हम ब्लॉगिंग का शूट नहीं किए हैं, कल किए थे बट डाले नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता है। दिन इतना छोटा कर रहा है ना अभी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कब 11 बज रहा है। और यदि वीडियो चालू करो ना तो 1 घंटा के बदले आपको 2 घंटा में कवर होता है। मेरा ये वाला प्रोसेस है, क्योंकि अभी छुट्टी हो गया, बाबू लोग का स्कूल आज चिल्ड्रन डे है, तो आज से छुट्टी है और 5 दिन तक छुट्टी है, 6 दिन तक। तो इन 6 दिन तक में पता है इतना ज़्यादा हमको, मतलब ये ना खाए ना, बच्चे लोग स्कूल चल जाते हैं ना, मेरा एकदम 4 घंटा ना इजीली मेरे हाथ में रहता है। लेकिन सच बताया तो बच्चे घर में रहते हैं तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी तो फिलहाल खेलने गए हैं वो लोग, तो थोड़ा सा आज टाइम मिला हमको, नहीं तो सच बताते हैं एकदम हालत ख़राब हो जाता बच्चा का पीछे। पहले हमको कोई यदि बोलता था ना कि बच्चे घर में हैं, इरिटेट हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हम बोलते हैं यार कैसे कोई ऐसे बोल सकता है अपना बच्चा को। मेरा भी तो बच्चा है, तो भी छोटे छोटे थे, मेरा भी तो बच्चा है, हम भी रखते हैं घर में, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और तभी ना हमारे बच्चे इतने बदमाश नहीं थे, पता नहीं है, मतलब सभी बोलते हैं स्कूल जाने के बाद बच्चे समझदार होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो समझदार क्या होंगे, और ज़्यादा बदमाशी करने लगे। तो पहले घर में था ना तो इतना बदमाशी करने नहीं जानता था, लेकिन अभी घर में नहीं है इस वजह से पूरा बदमाशी करता है, जितना मन चाहता है उतना बदमाशी कर लेता है। और हम आप लोगों को बता दें, पहले खेलने का नाम सिर्फ खेलता ही था, उसी में बदमाशी होता था। लेकिन काम भी कर लेते हैं, थोड़ा सूट भी कर लेते हैं। और अभी क्या है ना कि बाहर भी चल जाता है तो बाहर मोहल्ला वाला का भी जो लोग बातें सुनता है और समझता है, अब समझदार होने लगा है, समझदार तो हो ही रहा है, लेकिन वो जो चीज़ समझने का है, सीखने का, वो नहीं सीख के अदर चीज़ सीखता है। क्या ही बोले अब हम, तो यही सब बात है। और इस बीच में हमको शूट करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है, मेरा मोबाइल भी ये ख़राब हो चुका है, और मोबाइल ख़राब हो जाने के बाद इसमें शूट कैसे करें वो भी प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से स्टडी ब्लॉग बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, और सोचते हैं डाले डाले बट हो नहीं रहा है। खैर कोई नहीं, जितना जो है वो होगा ही, लेकिन आप लोग अपना तैयारी कीजिए, अब समय नहीं है। अब समय YouTube के ऊपर भी देना नहीं है हमको, क्योंकि आई नो कि समय बहुत कुछ करवा देती है। YouTube के ऊपर यदि हम आ गए ना तो इधर पढ़ाई में ख़त्म होगा। हालांकि ये तो ब्लॉग शूट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और मैराथन देखिए यदि YouTube का कवर यदि पूरा हो जा रहा है तो। देखा हुआ सब भी रिपीट कर रहे हैं हम, जो पहले का मैराथन सब चलाते थे, SST का ज़्यादातर हम देख रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि उधर CDP और इंग्लिश हिंदी तो कवर कर ही लेंगे, लेकिन इधर SST का भी कवर कर रहे हैं। पेडागोजी नहीं, ओनली SST 40 नंबर वाला। पेडागोजी मेरा जहाँ तक हमको पता है कि कवर है, और ये CDP और हिंदी ये दोनों तो कवर है। पेडागोजी हम शायद बहुत ये ही होता है कि 1-2 क्लास देखते हैं, वो क्लास हम देखते ही नहीं है। लेकिन आप लोग से ये हम नहीं बोलेंगे कि मत देखिए, हमारा मेरा SST कमज़ोर है, जिस वजह से हमको SST देखना पड़ता है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, SST कमज़ोर नहीं बोल सकते इसको, मतलब SST ये है ना कि आप रिवाइज करते रहिएगा तो आपके लिए सही रहेगा, और यदि आप रिविज़न छोड़ दीजिएगा ना तो SST कभी भी सेक्टर से नहीं होगा, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, बात यही है। तो मेरा भी वही है। हाँ
रात का समय है और आज सुबह खाना में क्या क्या बनाए थे नहीं दिखा पाए थे क्योंकि आज ब्लॉग शूट किए हैं, तो खाना में यहाँ ये वाला पतला वाला क्या है पता नहीं, इसका सब्जी है और ये बरबट्टी है, मतलब खेक सा कुछ बोला जाता है नहीं पता। आलू मिक्स करके ये साग बना था, चटनी बना था, चार प्रकार का बना था और भुजिया बना था जो ख़त्म हो चुका है आलू परवल का। और आज हम खाएंगे एक रोटी क्योंकि इतना सारा सब्जी है, रोज़ भुजिया और एक सब्जी बनता है, लेकिन अब ठंड का समय आ गया तो हमारे यहाँ अब एक प्रकार का सब्जी कभी नहीं बनेगा, तीन प्रकार का सब्जी बनेगा ही बनेगा, और मतलब एक प्रकार का कभी नहीं, साग तो बराबर रहेगा ही, चटनी भी चाहिए, धनिया पत्ता पुदीना या फिर अदर कोई भी चीज़, और ऊपर से रोटी या चावल जो भी है, ठंड का समय में बराबर रोटी ही बनता है, पिछले ब्लॉग में आप लोग देखिएगा, नहीं देखें तो देखिए। और अभी फिलहाल मतलब आज एक सब्जी ज़्यादा बन गया है, बात करते करते ही बना दिए थे आप लोगों से सारा सब्जी वगैरह, लेकिन दिखा नहीं पाए थे क्योंकि हमारे घर में आ गया था, मतलब आए हुए थे पड़ोस के भी बच्चे लोग को बाबू लोग लेकर आ गया था, तो घर में हल्ला पुल हो रहा था, तो फिर हम वही तो को झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया था, चार बच्चे रहेंगे तो होगा ही, तो वही सुलझाने में लग गए थे। तो अभी फ़िलहाल मतलब नहीं दिखा पाए थे खाना, इसीलिए सोचे अभी दिखा देते हैं आप लोगों से। और अभी रात हो गया है, कुछ मैराथन वीडियो सब अभी हम देखें, शूट नहीं हो पाता है, मैराथन ही देखें मोबाइल से, तो वही कुछ देख रहे थे, सनी सर का ही देख रहे थे, SST का भी हम कम से कम 10 दिन SST में ही पूरा फोकस करेंगे, पूरा मैराथन देखेंगे, सनी सर का भी देखेंगे और टीचिंग परीक्षा वाला जो सर है धानी सर उनका भी देखेंगे, इन दोनों का कंप्लीट करेंगे पूरा मैराथन जो अगले 2-3 सालों से इन लोगों ने डाला है। हालांकि इनका नहीं देखेंगे, सचिन सर का जो कुछ है उनका नहीं देखेंगे, उनका भी देख सकते हैं आप लोग के पास यदि ये है, अपना अपना सब टीचर से अपना अपना स्टूडेंट सीखता है, तो इस तरह से आप लोग भी सीख सकते हैं, आप लोग का मन जिससे सीखना है सीखिए, हमको जो अच्छा लगता है हम अपना बात आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। अभी रात हो चुका है, अभी खाना वगैरह खिला के सबको सुला देंगे, फिर अपना स्टडी मेंटेनेंस करेंगे पूरा, जब तक मेरा मतलब आँख जब तक जवाब ना दे तब तक हम अपना कंटिन्यू रखेंगे, और ये होना भी चाहिए, अपना इच्छा से कभी नहीं सोना चाहिए, जब तक आँख आपको बोले नहीं सोने के लिए तब तक ना सोएं, हम तो वही करते हैं, आप लोग क्या करते हैं पता नहीं। और अभी बाबू लोग को खाना दिए हैं, मतलब खाने के लिए हम भी जा रहे हैं खा लेंगे, और अभी बज चुका है 9:30, मतलब सोते सोते 10:30 बज जाएगा, बाबू लोग को तेल लगाना है, सारे बर्तन धोना है, मतलब सारा काम करते करते 10:30 बज जाएगा, दूध वगैरह देना है, इसके बाद 12 तो रोज़ बज जाता है सोने में मेरा, बाबू लोग को 10:30-11 बजते बजते कंप्लीट वो लोग को सुला देते हैं, और अभी छुट्टी है ना तो इस वजह से दोपहर में 1 घंटा सो जाता है, आज से छुट्टी चालू हो गया तो सो जाता है, तो फिर मतलब आज ही सुलाए हैं उन लोग को 1 घंटा, तो आज हो सकता है तो लेट से सोएगा, 11 भी बज सकता है, मतलब हमको नहीं पता आज क्या होगा, तो स्टडी ब्लॉग नहीं शूट किए हैं तो ये वाला थोड़ा सा हमको ये करना पड़ा। और आज हम लगाए हैं ये लोग सिंदूर क्योंकि आज है बृहस्पतिवार, आप लोग को पता होगा, और ये लोग कलर था मेरे पास अभी, मतलब इधर कपड़े जो बोल सकते हैं बराबर रहता है और पहनते भी हैं, लेकिन अभी इधर आज मतलब क्या हुआ था कि कुछ कारण हो गया था, खैर छोड़िए उतना नहीं लेने, इस वजह से बृहस्पतिवार को ये लोग कपड़ा नहीं पहने, बट ये लोग दुपट्टे लगाए थे, अभी हम इधर आए रोटी बनाने ना दुपट्टे लाने भूल गए थे, इस वजह से यहीं पे दुपट्टा था तो यही वाला लगा लिए, उतना मेरे घर में दुपट्टे का ये नहीं होता है कि दुपट्टे लगाओ, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं रहते हैं, हम मेरे हस्बैंड मेरे दो बच्चे, और मेरे घर में आस पड़ोस आना जाना कहीं किसी से नहीं चलता है, मतलब आता है कोई तो आगे ही हम मतलब कपड़े चेंज कर लेते हैं और बाहर निकलते हैं तो साड़ी ही पहन के निकलते हैं, मतलब जैसे गाँव में कहीं जाते हैं तो किसी का घर वगैरह तो उतना कोई आता है तो पहले फ़ोन वगैरह कर देता है, नहीं तो हमारे यहाँ मतलब जैसे पहले था कि सभी लोग आते थे, अभी फ़िलहाल इधर 1-2 मंथ से जब से हम BEd कम्प्लीट हुआ है तब से उतना बाहरी आदमी से लगाव कम कर दिए हैं, BEd जब से हम करने लगे थे, क्योंकि घर में नहीं रहने के कारण बराबर मतलब आदमी आता है, हम नहीं हैं घर का गार्जियन ही घर में नहीं है, हम गार्जियन नहीं है घर का, लेकिन हम नहीं हैं मतलब जो लेडी होती है घर का ना सारा सामान बचा के रखती है, तो
हम नहीं रहते थे, मेरे दो बच्चे रहते थे, कौन आया कौन गया, तो इस वजह से हम मना कर देते थे, कोई घर में आएगा तो बोल देना मम्मा नहीं है। तो इसी वजह से शायद आदमी लोग का आना जाना कम हो गया, और अभी फिलहाल हम उतना ये भी नहीं रखे क्योंकि अभी पढ़ाई करने का समय है। और जहाँ मतलब सीटेट देने के बाद क्या हुआ, एस्टेट हुआ, एस्टेट हमारा कंप्लीट हुआ, तो यदि हम ज़्यादातर समय उन लोगों के पीछे दें, जैसे कि हमारे घर में कोई व्यक्ति आ रहा है, मतलब रिलेटिव के लिए नहीं बोल रहे हैं, रिलेटिव तो बराबर आते ही हैं, मतलब आस पड़ोस के आदमी, जैसे कि हमारे काम वगैरह करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली वगैरह वगैरह, वो लोग आती है तो एक डेढ़ घंटे तो बात करने में ही समय व्यतीत हो जाता है हमारा। तो हम नहीं चाहते कि वो लोग से ज़्यादा देर बात करें, और हमारा समय जो उनके पीछे दे वो हम स्टडी में लगाएं। तो इसीलिए अभी हम कॉन्टेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं करते, वो लोग से बात वगैरह नहीं करते, जितना हो सकता है करते हैं, नहीं हो सकता है शांत हो जाते हैं। लेकिन हम बाहरी आदमी, मतलब घर से बाहर बहुत कम ही मतलब रिलेशन रखे हैं। कुछ इस प्रकार से मैटर था जो आप लोगों से शेयर करना था। तो अभी फ़िलहाल हम मेरा घर में हम और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, वो भी सुबह उठ के पूजा वगैरह करके मतलब दुकान में और नाश्ता करते हैं 8:30 बजे के करीब, वो भी घर से चल जाते हैं, दोनों बच्चा भी चल जाता है, और डायरेक्ट आता है स्कूल छुट्टी होता है तब, और ये आते हैं खाना खाने, और फिर मतलब शाम को चल जाते, मतलब शाम को चाय पीने आते हैं, और रात को एक ही बार खाना खा के और फिर सो जाते हैं, आते हैं 7:30 7:30 8 बजे कुछ भी है अपना टाइम में आ जाते हैं। तो ये टाइम है, दिन भर वो भी घर में नहीं रहते हैं। और हमारे बाबू को जो पढ़ाने के लिए आता है, मतलब आती है टीचर, वो भी लेडी ही है, लड़की ही है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये है, जेंट्स रहते तो थोड़ा सा लगता है कि चलो मतलब थोड़ा सा तो पर्दा में रहना चाहिए, लेकिन लेडीज ही है, मतलब लेडीज नहीं है, गर्ल्स है, मतलब लड़की है। तो इसी वजह से ननद भौजाई का रिश्ता है, ननद भाभी का भौजाई, हम लोग का भाषा में भौजाई भी बोल देते हैं, ननद भाभी का रिश्ता है, तो वो सब चलता है। इस वजह से एक कपड़े के लिए इतना सारे बात बोल दिए, खैर कोई नहीं, कोई नहीं था, मन भी थोड़ा उदास हो रहा था, तो बहुत सारे बातें भी कर ली आप लोगों से। अब मेरा खाना भी ठंडा हो जाएगा, इसीलिए चलिए हम लोग खाना खाने चलते हैं। बाय बाय।